हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत सिरजनवाई इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वाली सीरीज का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे 11 से लेके 15 तक के सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है उनको देखेंगे, जिससे हम ये देखते ही पता कर लेंगे कि कोई भी दिया हुआ नंबर, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, वो इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल होगा, यानी कि उसमें उस भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल ऑफ 11 क्या कहता है, तो कि 11 को कैसे पता करें कि कोई भी दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल है, यानी कि उस नंबर में 11 से भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो देखो, 11 के लिए रूल क्या है, हम क्या करेंगे, जो नंबर होगा हमारा, उस नंबर में जो ओड प्लेसेज होंगे, अब ये ओड प्लेसेज क्या होते हैं अभी मैं बता दूंगा, उन सभी डिजिट्स का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। इसी तरीके से इवन प्लेसेज, यानी कि जो सम स्थान होंगे उनके डिजिट्स का भी क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। उनके बाद में उनका डिफरेंस करेंगे और उस डिफरेंस यानी अंतर को चेक करके देखेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी उस जो डिफरेंस आएगा उसके अंदर 11 का यानी 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये देख के हमें उस नंबर के बारे में आइडिया लग जाएगा कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखो, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं ये ओड प्लेसेज क्या होते हैं, इवन प्लेसेज क्या होते हैं, अर्थात विषम स्थान क्या है, सम स्थान क्या है। तो देखो, इस नंबर के अंदर ये वाला पोजीशन कौन सी है, पहले नंबर वाली पोजीशन है, ये थर्ड नंबर वाली पोजीशन है, जगह है, और ये फिफ्थ नंबर वाली है, ये 7 नंबर की पोजीशन है, और ये 9 नंबर की पोजीशन है। तो ये सभी पोजीशन के ऊपर जो भी नंबर है, ये कौन से प्लेस वाले नंबर कहलाते हैं, ओड प्लेसेज वाले नंबर कहलाते हैं, यानी कि विषम स्थान वाले नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, अंक कौन कौन से हैं विषम स्थानों पे, तो देखो कौन कौन से आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक आ रहा है, 4 आ रहा है, और 6 आ रहा है। तो हम इन सब का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, मतलब इनका योग निकाल के देखते हैं। तो योग क्या होगा, 3 + 3 + 1 + 4 + 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 + 3 + 1 + 4 + 6, यही होंगे। हाँ, तो देखो इनका सम कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है, 3 + 3 = 6 = 11 + 6 = 17 आ गया। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस के वाले डिजिट्स को भी देखेंगे। तो ये प्लेस कौन सा है, ये सेकेंड नंबर वाला प्लेस है, ये फोर्थ नंबर वाला प्लेस है स्थान है, ये छठे नंबर वाला स्थान है, ये आठवें वाला है, और ये 10वें नंबर वाला स्थान है। यानी ग्रीन कलर से जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, ये कौन से प्लेसेज है, इवन प्लेसेज है, अर्थात सम स्थान वाले नंबर्स है। हम क्या करेंगे, इनका भी टोटल सम करके देख लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो देखते हैं इनका योग क्या आता है, ध्यान रखना इन डिजिट्स का सम नहीं करना है, हमें किसका सम करना है, इन डिजिट्स पे आने वाले, सॉरी, इन प्लेसेज का सम नहीं करना है, हमें किसका सम करना है, इन प्लेसेज के ऊपर आने वाले डिजिट्स का सम करना है, यानी अंकों का जोड़ करना है। तो देखो 2, 4, 6, 8 और 10 पे कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, एक तो 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 0 है, एक 8 है, और एक 8 है। तो 5, 7, 0, 8 + 8, तो देखो इन सब का सम कर लेते हैं, 8 और 8 = 16 होगा, और 5 और 7 = 12 होगा, 16 और 12 = 28 हो गया। अब क्या बोला है अगले स्टेप में, हमने क्या किया, ओड प्लेसेस पे आने वाले डिजिट्स यानी अंकों का योग कर लिया, फिर इवन प्लेसेस यानी सम स्थान पे आने वाले डिजिट्स का क्या कर लिया, सम कर लिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटा दो, जैसे ये 28 है, ये 17 है, तो अब इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस यानी दोनों का अंतर निकाल देता हूँ, तो देखो डिफरेंस आ रहा है 28 - 17, जो कि कितना होगा, 11 होगा। तो क्या ये 11 डिफरेंस जो आया, ये डिविजिबल बाय 11 है, क्या 11 में 11 का भाग जाएगा, हाँ पूरा जा रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा ये इतना बड़ा जो नंबर था, ये भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, मतलब इस पूरे नंबर में भी 11 से भाग जाएगा। अब यहाँ देखो डिविजिबल को कैसे चेक करेंगे, अगर लास्ट में तुम्हारे को 0 मिल जाए, 11 मिल जाए डिफरेंस निकालने के बाद में, या 22 मिल जाए, तो हम बोल देंगे कि वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, वरना वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको करने का देखो एक और तरीका है, अगर क्या हो, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, इवन हो, ध्यान से समझना,
अगर जो अंक दिए हुए हैं जिस नंबर में उनको अगर टोटल करके देखें कि टोटल कितने डिजिट्स है, तो अगर वो इवन आ रहे हैं मतलब सम है, तो हम क्या करेंगे देखो समझना ध्यान से, एड द फर्स्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। अब इसका क्या मतलब है समझो, देखो इस एग्जाम्पल को देखो, पहले यहां देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है जो कि क्या है इवन है। अब उसने क्या बोला है कि एड द फर्स्ट डिजिट, अब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट क्या होता है पहले वो भी समझ लो, जो राइट मोस्ट होगा सबसे दाएं ओर होगा उसको हम लास्ट डिजिट बोल रहे हैं, और जो सबसे लेफ्ट में होगा यानी कि बाई ओर होगा उसको हम फर्स्ट डिजिट बोल रहे हैं। तो उसने क्या बोला है, फर्स्ट डिजिट को तो एड करना है और लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना। अब किसमें से सब्ट्रैक्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट और फर्स्ट वाले, फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़ने के बाद में जो नंबर बचा, तो देखो क्या लिखा है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर, बाकी बचे हुए नंबर में से ये काम करना है। तो बाकी का नंबर क्या बचा 78, इसमें क्या करना है फर्स्ट डिजिट को तो एड करना है, हमने क्या किया फर्स्ट डिजिट 3 को एड कर दिया, और लास्ट में जो डिजिट आ रहा है उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो 78 में 3 प्लस करेंगे तो 81 आएगा, 81 में से 4 माइनस करेंगे तो 77 आएगा। तो क्या 77 11 से डिविजिबल है, तो देखो 7 टाइम डिविजिबल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर होगा ये भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो ध्यान रखना अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो पहले वाले डिजिट को ऐड करना है, लास्ट वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट और लास्ट के छोड़ के जो बाकी का बच गया पार्ट उस नंबर के अंदर से। तो हिंदी में भी लिख दिया देखो, प्रथम डिजिट को जोड़िए तथा अंतिम डिजिट को घटाइए, किसमें से घटाना है प्रथम व अंतिम अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से। समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या देखेंगे, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो ओड हो तब क्या होगा वो चीज समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि यदि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो विषम हो यानी कि ओड हो, तो उस केस में क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर। यानी अब क्या करना है, पिछली बार क्या किया था, फर्स्ट वाले डिजिट को ऐड किया था, लास्ट वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया था। अब क्या करना है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स विषम है यानी कि ओड है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट दोनों डिजिट्स को क्या करना है, बाकी के बचे हुए नंबर यानी रेस्ट ऑफ द नंबर शेष बचे नंबर में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो इस एग्जांपल को देखते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। 82907 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5 है यानी कि ओड है। इस केस में क्या करेंगे, ये लास्ट वाला डिजिट है ये फर्स्ट वाला डिजिट है, इसको क्या करेंगे बाकी बचे हुए डिजिट से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 290 बच गया, ठीक है, इसमें से 8 और 7 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 और 7 माइनस का है, माइनस का 15 हो गया, 290 में से 15 गया तो 275 आ गया। अब क्या करना है, इसी प्रोसेस को जो हमने ये वाली प्रोसेस की थी इसको वापस रिपीट करो, क्यों, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो हम वापस से रिपीट करते हैं, तो फिर क्या होगा, ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला डिजिट फिर से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या था, 7 में से 2 और 5 माइनस किया तो कितना आ गया 0 आ गया। तो क्या 0 में 11 से डिविजिब 0 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 0 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये भी क्या होगा डिविजिबल बाय 11 होगा। अब देखो 12 के लिए बहुत ही आसान रूल है, 12 का रूल क्या कहता है कि अगर वो नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। इसका कारण समझ लो, देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3, यानी वो 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम बोल देंगे कि वो नंबर क्या होगा 12 से भी डिविजिबल होगा। तो 4 के लिए कैसे चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं, यानी अंतिम 2 अंकों को अगर हम देखेंगे, अंतिम 2 अंक अगर डिविजिबल है यानी कि भाग जा रहा है लास्ट के 2 अंकों में, तो वो 4 से डिविजिबल होगा। और 3 से कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल, यानी सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इस एग्जाम्पल के लिए चेक करके देख लेते हैं, अगर ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है यानी दोनों से इसमें भाग जा रहा है, तो हम बोल देंगे कि 12 का भी इसमें क्या होगा भाग जाएगा। तो देखो सबसे पहले 3 के लिए चेक करके देखते हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। इसके लिए देखो 7 और 6 13, 4 17, 6 23 और 5
28 और 2 30, तो क्या 30 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, ये 33 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 3 से तो डिविजिबल होगा। अब क्या करना है, 4 के लिए चेक करके देखना है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स को करके देख लो, 52 4 से 13 टाइम यानी कि 13 बार डिविजिबल होगा, 13 बार उसमें भाग जाएगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 52 क्या है, 4 से डिविजिबल है, 13 टाइम डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये नंबर क्या होगा, पूरा नंबर 4 से भी डिविजिबल है। तो अगर 3 और 4 ध्यान रखना कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, बोथ दोनों से डिविजिबल है, तो हम बोल देंगे कि ये पूरा नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 12 का रूल था, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे 13 और 14 का देखते हैं। अब देखते हैं रूल ऑफ 13 क्या कहता है। रूल ऑफ 13 भी बहुत आसान है। देखो क्या करना है हमें, लास्ट का जो डिजिट होगा उसका 4 टाइम करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में क्या करना है, उसको ऐड करना है रेस्ट ऑफ द नंबर, बाकी जो नंबर बच गया उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 4 टाइम जो आया था उसको ऐड कर देंगे, और ये प्रोसेस रिपीट करनी है जब तक कि हमें जो नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं वो 2 डिजिट के अंदर नहीं मिल जाए, यानी 2 अंकों में नहीं आ जाए। एग्जांपल से समझते हैं, देखो एक नंबर दिया हुआ है 2795, हमें क्या करना है, पहले स्टेप में लास्ट का जो डिजिट है उसका 4 टाइम करना है, इसका मतलब 5 का 4 टाइम करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। अब इस 20 को क्या करना है, बाकी के बचे हुए नंबर, बाकी का कितना नंबर बच गया 279, इसमें ऐड करना है, तो 279 में 20 ऐड करेंगे तो 299 आ गया। फिर से क्या करना है, अभी देखो 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, तो ये तब तक रिपीट करना है जब तक कि 2 डिजिट का नंबर नहीं मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, 9 का फिर से 4 टाइम करेंगे, तो 9 4 36। अब बाकी का बचा हुआ नंबर क्या है, 29 में क्या ऐड करेंगे, 36, और 29 में 36 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 65। क्या 65 को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, आप करके देख लेना, तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। और अब देखो 14 का रूल क्या कहता है समझना, 14 और 15 का रूल बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या हम 14 को 2 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं? अगर हम 14 को 2 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि अगर इसको 2 से डिवाइड करें और 7 से डिवाइड करें, दोनों से डिवाइड करें, तो वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। तो देखो मैंने यहां लिख भी दिया, अगर नंबर 2 से और 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। ध्यान रखना दोनों से होना चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा। तो 2 से कैसे चेक करते हैं, ये मैंने पार्ट 1 में कवर किया है कि अगर नंबर क्या हो, इवन हो, सम हो, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। और 7 से कैसे डिविजिबल करते हैं, तो इसके लिए आप पार्ट 2 पूरा देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी बता दिया है वैसे तो। देखो तो अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 14 भी होगा। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, देखो 364 ये नंबर इवन है क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 0 2 4 6 8 में से कोई आ रहा है, मतलब ये इवन है, यानी 2 से डिविजिबल होगा, 2 से इसमें भाग जाएगा। अब 7 के लिए कैसे चेक करते हैं वो देखो, उसमें क्या करते हैं, जो वंस प्लेस पे डिजिट आता है यानी इकाई अंक पे जो अंक आता है उसको क्या करते हैं, हम डबल करते हैं और बाकी के बचे हुए नंबर में से माइनस कर देते हैं। तो 4 का डबल क्या होगा, 8, 8 को किस में से माइनस करेंगे, 36 में से माइनस किया, कितना आया 28। क्या 28 7 से डिविजिबल होता है, 4 टाइम डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से भी डिविजिबल है। 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो हम बोल देंगे कि ये पूरा नंबर क्या है, 14 से भी डिविजिबल होगा। सिमिलरली क्या होगा, 15 का रूल होगा, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से कैसे चेक करते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट्स निकाले, सभी अंकों का योग करें, वो 3 से डिविजिबल है, यानी उसमें 3 का भाग जा रहा है सम करने पर, सभी डिजिट्स का अंकों का योग करने पर, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 5 से कैसे चेक करते हैं, वो बहुत आसान रूल है, अगर यूनिट्स डिजिट क्या हो, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है, इकाई अंक पे जो डिजिट आ रहा है, अंक आ रहा है, वो क्या हो, 0 या 5 हो, तो हम बोल देंगे कि वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा। तो अब देखो 390, इसके सभी अंकों का सम किया हमने, 3 9 और 0, ये 12 आ रहा है, 12 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब यूनिट्स प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 और 5 में से कोई होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये क्या आ रहा है, 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा। तो हमने आज के लेक्चर में 11 से लेके 15 तक के नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स हमने कवर कर लिए हैं। पार्ट नंबर 4 में हम 16 से लेके 20 तक के सभी नंबर्स के क्या
क्या देखने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स देखने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और 2 देखना, जिससे कि आपको पार्ट 3 समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।